बारिश के बाद अब शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, दो दिनों से नहीं निकली धूप। बड़ी तेज गर्मी के बाद दो दिनों से मौसम ने फिर करवट ले ली है। अचानक से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटों से जारी है। इसके चलते राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में तापमान गिर गया है। वहीं दो दिनों से धूप नहीं निकलने और शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है। राजनांदगांव में 24 घंटे के दौरान 8 मिमी, रायपुर में 2.3 मिमी वर्षा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में बीते 48 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान और गिर गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कर्नाटक के बीच बने चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात थे। हालांकि अब प्रदेश के उत्तरी इलाकों से घने बादल हट गए हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में अब भी काले बादल छाए हुए हैं। रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे हालात दो दिनों तक बने रह सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे में बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही बादल छंटने के बाद फिर एक बार ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर में भी शुक्रवार रात से जारी बारिश का सिलसिला शनिवार देर रात तक जारी रहा। इसके चलते मौसम ठंडा हो गया और शीतलहर चल रही है। रविवार को भी धूप नहीं निकलने के चलते लोग घरों से बाहर आने से बचते रहे। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में शनिवार रात तक भारी वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अलगे दो से तीन दिनों तक जैसे ही बादल छटेंगे उसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश राजनांदगांव में 8 मिमी दर्ज की गई, वहीं रायपुर में 2.3 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार से मौसम साफ होने और धूप निकलने की संभावना जताई है। बावजूद इसके ठंड से अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते लोगों को भी बीमारियों से सावधान रहने की जरूरत है। पेंड्रा रोड सबसे ठंडा 11.7 डिग्री पारा, रायपुर में 15.3 डिग्री तापमान, प्रदेश में सबसे कम तापमान 11.7 डिग्री पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। वहीं रायपुर शहर में इस वक्त अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री है, वहीं न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री, बिलासपुर में न्यूनतम 14.0 डिग्री है, जगदलपुर में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री और न्यूनतम 15.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव जिले में अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.08 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।